आगरा के खंगारी में हूँ, जहाँ पर कृष्णा लाइब्रेरी में हूँ। और यहाँ की क्या क्या फैसिलिटी है जो विद्यार्थी है यहाँ पर अपने अध्ययन की तैयारी करने के लिए आती है, क्या क्या फैसिलिटी उनको मिलती है, ये जानकारी हम यहाँ की कृष्णा लाइब्रेरी के डायरेक्टर से पूछ लेंगे। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका। क्या परिचय सर आपका? मेरा परिचय है, मैं कृष्णा लाइब्रेरी को संचालन कर रहा हूँ अभी और बच्चों की पढ़ाई के लिए। कितने सालों से यहाँ पर ये लाइब्रेरी चल रही है? करीबन पिछले डेढ़ साल। डेढ़ साल कैसी क्या क्या फैसिलिटी रहती है हमारे यहाँ? पीसफुल इंस्पायरिंग स्टडी इन्वायरमेंट है, सेपरेट डिस्कस रूम है, रिलेटेड कॉम्पिटिशन मैगजीन्स हैं, कूलर आर ओ वाटर का पूरा वो है हमारे यहाँ, फुल ए सी है, फ्रिज टीवी फुटेज का है, डिस्कस विद टीचर्स भी है, टेस्ट सीरीज मिलती है हमारे यहाँ, न्यूज़पेपर है, द हिंदू आता है, द इंग्लिश आता है, फ्री लैपटॉप एसेस नेट की सुविधा है, 5G नेट है, साइलेंस जोन है, संडे को भी हमारे ओपन होता है, नाइट डिस्काउंट भी है लड़कियों के लिए स्पेशल, और मंथली करंट अफेयर्स भी आती है हमारे यहाँ, टेस्ट होते हैं वो भी कराए जाते हैं, लेखपाल वगैरह जिस तरह के एग्जाम आते हैं। जी जिस तरह से हमारे यहाँ जो लेखपाल और जो भी टेस्ट वगैरह आते हैं वो सब सारे टेस्ट की बच्चे तैयारी करने के लिए अपने आते हैं, और कोचिंग्स को देख जितने भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी कोचिंग्स के लिए सब बच्चे अपने अध्ययन करने के लिए आते हैं। और जो अपने मैं तो हम सबसे मनोकामनाएं करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े वो अच्छी और कम समय में और जल्दी से जल्दी अपना। कितने स्टूडेंट लगभग हैं हमारे? अप्रॉक्स करीबन 80 स्टूडेंट दिन में आते हैं सिटिंग है, और नाइट में 50-60 आसपास नाइट। ठीक है, सर का कहना है कि करीब 70-80 और 80-90 के बीच में विद्यार्थी यहाँ पर अपना अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी है वो कैमरा में देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अपना अध्ययन करते हुए आपको नज़र आ रही है। विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी तैयारी में अभी देख सकते हैं जिस तरीके से विद्यार्थी लगातार, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा वो दिखा रहे एक बार किस तरीके से विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रही है, और क्या क्या फैसिलिटी है कृष्णा लाइब्रेरी की वो भी आप देख रहे हैं। और आइए मैं कुछ विद्यार्थियों से बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जी, किसकी तैयारी कर रही हैं आप? क्या क्या फैसिलिटी है कृष्णा लाइब्रेरी की, यहाँ कैसी फैसिलिटी मिल रही है आपको? फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, बाकी अपनी यूनिक इंडिविजुअल डेस्क है, की माहौल बहुत अच्छा है, शांति का, इंटरनेट का स्पीड सही आती है इससे? जी काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी। कितने महीनों से आप तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? मैं तो अभी दो महीने हो गए। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि 2 महीने से ये लगातार कृष्णा लाइब्रेरी में समय दे रही हैं और अच्छा रेस्पॉन्स इनको यहाँ का मिल रहा है। यहाँ के जो एक लाइब्रेरी की लोकेशन है वो खंडारी है, और ये आगरा के अंतर्गत आती है, खंडारी लाइब्रेरी में कृष्णा लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अपना पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? दिलखुश लग रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लाइब्रेरी, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वाई फाई की सुविधा बहुत अच्छी है, फर्नीचर अच्छा है, PC माहौल अच्छा है, सर सर स्टाफ बहुत अच्छा। कोई अगर डाउट होता है तो सर बताते हैं उसको? हाँ जरूर बताते हैं। आप कहाँ से आते हैं, कौन सी? लॉयस कॉलोनी। लॉयस कॉलोनी से कितने महीने हो गए आपको? आपको यहाँ 5 महीने हो गए। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? ये हम लेखपाल की, जो अभी एग्जाम फॉर्म भरी है उसकी। PUT का एग्जाम तो आपने दिया ही होगा? हाँ दिया था। कितने परसेंट आए थे उसमें? 89% आए थे। भैया का कहना है ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इनको मिल रहा है। इन भैया से और जानेंगे। जी भैया जी, क्या नाम है? जी भैया, क्या फैसिलिटी मिल रही है लाइब्रेरी में? अच्छी फैसिलिटी है, डिसिप्लिन है, वेल मेंटेन है, एक अच्छा माहौल है, और एक फैसिलिटी साइलेंट एरिया भी है, और एक फैसिलिटी अच्छी काफ़ी है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। कितने महीनों से आप यहाँ पर हैं? मैं 2 मंथ हो गए मुझे यहाँ पर। 2 मंथ से किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी चल रही है। नीट की तैयारी चल रही है। भैया का कहना है कि नीट की तैयारी कर रही है, और बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पर है, एकदम जो लाइब्रेरी का वातावरण होना चाहिए वही वातावरण यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों का। भैया जी जी, भैया जी क्या कर रहे हैं यहाँ? जी बी एड कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे अभी आरोपा में आरोपा में
फिर निकाल दिया आपने, क्या बात है, यहीं से तैयारी करके निकाला है? जी यहीं से, प्रॉपर अच्छा 3-4 महीने और खुली है जब से मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। कैसा मतलब विद्यालय जो टीचर हैं आप, किस तरीके से मेंटेन करती हैं आप? तो जो भैया लोग हैं जो लाइब्रेरी संभालते हैं वो, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे लोग। अभी अभी क्या राइट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अभी आप? जी मैं आंसर लिख रहा हूँ। आंसर कितने महीनों से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 4 महीने हुए लगभग, ऐसे में लगभग 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। आपको बता दें कि जो लाइब्रेरी का एकदम साइलेंट माहौल होना चाहिए वो माहौल यहाँ पर है। विद्यार्थी जो है अपनी अपनी उसमें बिजी बिजी बिजली, क्या नाम आपका? कैसा रेस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है विद्यार्थी? काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, चार्जर पोर्टेबल है और इंटरनेट का स्पीड भी बफरिंग तो नहीं करती वीडियो वगैरह? नहीं करता। अच्छा इंटरनेट स्पीड मिल रहा है, काफ़ी अच्छा चलता है। 5G डेटा कहाँ से आया? कोई भी चला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आसपास के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशा जी, और मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, कितने महीने से आप यहाँ पर हैं? मैं करीब 5-6 महीने। क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर रहती है लाइब्रेरी? तो माहौल बहुत अच्छा है, काफ़ी साइलेंट रहता है और वाईफाई काफ़ी अच्छा चलता है। जिन बच्चों को नेट की प्रॉब्लम होती है घर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और लाइट इन्वर्टर वगैरह की समस्या नहीं है कोई, मतलब लाइट नहीं जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी होते हैं वो देख नहीं पाते लाइब्रेरी को, उनको ये क्या संदेश देना चाहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों करनी चाहिए? लेकिन लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि घर पर क्या होता है, हमारा वो माहौल नहीं होता है। घर पर सारे लोग होते हैं, कभी कोई गेस्ट आता है कभी कुछ, तो बच्चे का डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे क्या है कि लाइब्रेरी का पढ़ने का माहौल बनता है काफ़ी अच्छा, क्योंकि सभी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, साइलेंट माहौल एकांत बात बन रहा है, तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे कि मेरा भी घर यहीं पर है, मैं यहीं का निवासी हूँ, लेकिन मैं फिर भी लाइब्रेरी आता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। प्रॉपर मेरा मकान भी यही है, थोड़ा सा पीछे, बट क्या होता है कभी कोई गेस्ट आ रहा है या घर पर काफ़ी सारे काम होते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, और पढ़ाई चाहती है एकांत माहौल, एकदम चीज़ साइलेंट होना चाहिए, पढ़ाई की काम की मन भी लगता है। बिल्कुल, और एक इन्वायरमेंट भी होता है, ठीक है, यहाँ जैसे इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो वो भी स्टडी कर रहे थे, आपका ना मनोबल बढ़ता है इस चीज़ कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं तो हमको भी बढ़ना है, बात करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। घर पर तो ये कि कभी कोई गेस्ट आ जाए, अपनी फैमिली से कोई मेम्बर आ जाए तो बच्चे साथ में रहते हैं, बातें करने लगते हैं हम लोग, तो वह सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है, देखा जाए तो असर पड़ता जा रहा है, आपने भी आपकी आवाज़ की बोलने की भी स्लो हुई है कहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एकांत पास बिल्कुल सही कहा, क्या नाम है? कितने महीनों से आप यहाँ पर हैं? किसी मंथ से ज्वाइन किया। कैसा रेस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है टीचर द्वारा? साइलेंस है और टीचर्स भी ठीक हैं, और गर्ल्स के लिए भी सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं होता कि डिस्टर्बेंस होता। लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए एक विद्यार्थी को? आप जहाँ से शांति में पढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें, शांति में घर पर वो माहौल नहीं बन पाता है। जी यहाँ शांति के लिए रहती, साइलेंट एरिया रहता है। हाँ जी, हाँ जी। किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं बैंक PO की। बैंक PO की तैयारी कर रही हूँ। कहीं कोचिंग भी करती हैं या लाइब्रेरी से आप काम? नहीं, मैं कोचिंग भी करती हूँ। कोचिंग भी करती हूँ, और उसके बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन किया आप किसी मंथ से? पहले कभी लाइब्रेरी में गई हैं आप? यहाँ पर आकर कैसा लगा आपको लाइब्रेरी में? जब आप आई तो 1-2 दिन पढ़ाई, कैसा माहौल दिखा आपको? अच्छा था, शांति भी रहती है, पढ़ने में भी मन लगता है। जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यार्थियों का कहना है बिल्कुल शांत वातावरण है, और जी मैंने पूछा होगा क्या क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों से बात की थी, तो उनका कहना है कि शांत वातावरण है और अच्छा रेस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है। आपकी क्या विचार? मेरा विचार ये जो लोगों को लगता है, उनको लगता है मेरे कहने से नहीं, उनको आपने देखा है, उनसे बुलवाया है, मैंने कोई खड़ाया नहीं, आपने पहली बार देखा है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उन्हें लगा है कि यहाँ पर उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनको AC की सुविधा देते हैं, गर्मियों में जब गर्मी अधिकतर गर्मी होती है चालू रहती है, बिल्कुल दोनों AC चालू रहती है हमारी, और ठंड आती है तो हीटर की व्यवस्था करते हैं, कोई भी कमी नहीं है। स्टूडेंट यहाँ जो आता है एक बार आता है तो कम जाता है। जी एक और सर से बात करें, संचालन क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम कोमल चौधरी। क्या अभी आपके विद्यार्थियों से बात की, अच्छा रेस्पॉन्स बता रहे हैं? क्या क्या
मैनेजमेंट के कितने विद्यार्थी हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं? अभी तो फिलहाल हमारे पास 70 80 विद्यार्थी हैं। अभी एक महीने में और गर्मियों में फुल स्ट्रेंथ होती है, अभी फुल चल रही है। और ये कोरोना की वजह से कितने टीचर हैं? टीचर रहते हैं 300। और हमारा ये कि अगर बच्चे वैसे कमज़ोर हैं आर्थिक, तो हम उसे फ्री में उनको सहायता भी दी जाती है। सहायता दी जाती है, हाँ। छूट लड़कियों के लिए भी कोई छूट है? हाँ, लड़कियों के लिए भी डिस्काउंट। जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आता है तो उनके लिए रहने पहने की व्यवस्था भी है कि अलग से भी करते? नहीं, रहने की नहीं है, लेकिन हमारे पास है और भी है, हॉस्टल है, हम उसको करा दीजिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कृष्णा लाइब्रेरी है और ये आगरा के खंगारी चौराहे से अच्छी चंद कदमों की दूरी पर पड़ती है। आपको बता दें कि लाइब्रेरी एक विद्यार्थी को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? एक विद्यार्थी को अपने जीवन में लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि जो पढ़ाई घर पर रहकर नहीं हो पाती है, क्योंकि घर पर एक काम रहा है, वो पढ़ाई कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को एक लाइब्रेरी के अंदर मिल जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर विद्यार्थी साइलेंट मोड में जाते हैं और कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में विद्यार्थी एक अपनी अच्छी पढ़ाई को अंजाम देते हैं। अगर एक विद्यार्थी दो साल लाइब्रेरी में देता है तो कहीं ना कहीं कोई से भी सरकारी पद पर पहुंचने की उम्मीदें लगभग 100% तय हो जाती है। कैमरा पर्सन अर्जुन धनगर के साथ मैं काना धनगर आगरा।